Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. अखिलेश यादव के खासम खास और डिंपल यादव के राइट हैंड कहे जाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव को पुलिस ने आधे कपड़ों में गिरफ्तार कर लिया तो हड़कंप मच गया। नवाब सिंह पर आरोप है कि बुआ के साथ डिग्री कॉलेज में नौकरी मांगने पहुंचे किशोरी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता ने दुष्कर्म की कोशिश की। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने दबिश दी और मौके से ही समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे UP 112 पे फोन से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने कहा था कि मेरे ऊपर के कपड़े उतार दिए हैं और गलत काम करने का प्रयास किया गया। तत्काल मौके पे PRB और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जहां से लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक अवस्था में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में लड़की ने बताया है कि इसकी बुआ है जिसके साथ ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के यहाँ पहुंचे थे। इन्होंने बताया था कि नौकरी के नाम पर बुलाया और उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई। तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, लड़की की उम्र क्या बताई जा रही है, कितनी उम्र है? लड़की नाबालिग, अपनी उम्र लगभग 15 वर्ष बताई है। सर, जो नौकरी की बात करी जा रही है, नौकरी की बात बताई जा रही है, तो 15 साल की उम्र में कौन सी नौकरी? इसमें इन्होंने इस प्रकार का जो तहरीर दिया है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें विवेचना प्रचलित है, जो भी अन्य तथ्य आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा और विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। ये विवेचना प्रचलित है, जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। सर, ये मालूम पड़ा कि किस तरह से ये लोग वहाँ पर पहुंचे थे, जो लड़की थी और उसकी बुआ थी, क्या ये लोग पहले से परिचित थे दूसरे के? इसमें जो महिला है, जो बुआ है, ये इन्होंने बताया कि ये पूर्व से इनको जानते थे और लगभग 4-5 वर्ष से उसे इनके जानकारी थी और जिसके चलते जब इनकी आज सुबह जब बात हुई थी और उसी के तहत ये पहुंचे थे रात्रि में। कोई रिश्तेदारी नातेदारी नहीं थी, सब केवल जानकारी? हाँ, अभी तक तो ये बताया है।